नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। सोशल मीडिया पर पिछले दो दिनों से वॉइस लॉकर रूम ट्रेंड कर रहा है। इस ग्रुप के बारे में कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। अगर आपने इस ग्रुप के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या है और इसे लेकर क्यों इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल वॉइस लॉकर रूम इंस्टाग्राम पर बनाया गया है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप में 17 से 18 साल तक के लड़के शामिल हैं। ये सभी टीनएजर लड़के स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है इसका अंदाजा आप इस ग्रुप से ही लगा सकते हैं। इस ग्रुप में लड़के अपने से छोटी उम्र की लड़कियों के बारे में घटिया बातें करते हैं, अश्लील कमेंट करते हैं, उनके शरीर की बनावट से लेकर रेप करने के लिए प्लान तक तैयार करते हैं। लेकिन सोमवार को इस चैट ग्रुप का भंडाफोड़ हो गया और सोशल मीडिया पर इस ग्रुप की चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। जिन लड़कियों ने इस ग्रुप का भंडाफोड़ किया था उनको सबक सिखाने के लिए इन लड़कों ने प्लान बनाया और उनकी अश्लील तस्वीरें शेयर करने की बातचीत के साथ इस ग्रुप को बंद कर दिया। लेकिन तब तक ये स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे। इसके वायरल होते ही हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम तुरंत हरकत में आई। एक आरोपी छात्र को पकड़ने के साथ ही अब तक 10 छात्रों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक ये सभी छात्र दिल्ली के रहने वाले हैं और नामी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके साथ ही लड़कों के खिलाफ आईटी एक्ट 66 और 67A के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम को पत्र लिखकर इस ग्रुप की जानकारी भी मांगी गई है। बता दें कि इस मामले में पकड़े गए छात्र नाबालिग हैं, इसीलिए उनके नाम नहीं बताए जा सकते, लेकिन इन छात्रों ने कितनी घटिया हरकत की है उसका गवाह ये इंस्टाग्राम ग्रुप है। इस मामले पर दिल्ली की साइबर क्राइम पुलिस के एक्शन लेने के साथ ही महिला आयोग ने भी शिकायत दर्ज की है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो जारी किया है। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल कर मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि ये मामला न सिर्फ प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है बल्कि महिला की सेफ्टी से भी जुड़ा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के बीच बातचीत के गैप को भरता है, लेकिन मौजूदा वॉइस लॉकर रूम स्कैंडल साबित करता है कि ये प्लेटफॉर्म महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मामले में समय पर जांच और ट्रायल की दरकार है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आनंद वर्मा, वकील कौस्तुभ प्रकाश और शुभांगी जैन ने दाखिल किया है। इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। खैर, इस तरह के ग्रुप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों की मानसिकता समय के साथ कितनी बदल चुकी है। वॉइस लॉकर रूम पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।